अभी मैं सो के उठा हूँ, देखो दंग से उठने में नहीं जाता, आते गोदी में बैठेगा, पहले साथ में सोता है फिर उठते गोदी में बैठ जाता है। कहाँ चाहते हो हमसे? पुराने जन्म का कोई वो लगता है मेरा साथी था पुराने जन्म में, मैं लुगाई थी पुराने जन्म की। हम दोनों का अभी चाय गर्म है ना, गर्म पे चैटेगा नहीं, उसको पता है गर्म में गर्म लग जाए। ले आगे बता, ले 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 ले। कल मैंने उसको मारा था ना तो नाराज़ हो गया था मेरे से, मैं उसको रात को सॉरी बोला 2-3 बार, जब जाके माना है ना, नाराज ही था मेरे से। ही हैज इमोशंस, इमोशन। तो फिर बारिश का प्रकोप बहुत केड़ा है, दिल्ली वाली भाषा में होता ना, बहुत केड़ा है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। उस चक्कर में हमारे कमरे की ड्रेसिंग टेबल देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा, कांच पूरा ब्लाइंड हो गया इसका। ये देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको? पूरा ब्लाइंड हो गया, हालांकि कुछ दिखेगा। ये शायद एसी की उससे हो गया, ठंडी ठंडक से एसी चल रहा था ना और बारिश भी आ रही थी, उस चक्कर में हो गए। इसको साफ करते हैं अभी। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो बारिश कैसी आ रही है भयंकर। ये देखो कैसी भयंकर बारिश आ रही है यार, कल रात से आ रही है। मस्त मौसम हो रहा, फर्स्ट क्लास। जुपिटर के ऊपर पानी गिर रहा नाले का, जुपिटर की सीट पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बाइक खड़ी रहती ना, या पापा वाली या मेरी वाली पल्सर, तो उसके क्या टंकी में पानी गिरता, तो चक्कर में हमने बाइक हटा रखी है, इसकी सीट पे गिर जाए तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। ये देखो पेड़ कैसे हो गया मस्त हरा भरा। और दूसरी चीज़ क्या है, भाई और जा रहे हैं मुंबई, भाई और भाभी दोनों जा रहे हैं मुंबई। रुक जा बेटा रुक जा, भाई और भाभी दोनों जा रहे हैं मुंबई गाड़ी से। अरे रुक जा बेटा, तू क्या पे पे कर रहा है, रुक जा 2 मिनट। अभी भाई अभी दोनों मुंबई जा रहे हैं गाड़ी से, तो गाड़ी में सामान वगैरह रखवाते हैं। अभी बज रहे हैं 10, तो अभी निकलेंगे वो और 6-7 घंटे पहुँचेंगे उदयपुर, फिर उदयपुर स्टे करके फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे गुजरात से। क्योंकि गुजरात के हाईवे पे क्या लाइट वगैरह नहीं मिलती, मैंने करा हुआ था, मैंने उनको सजेस्ट करा था गुजरात में रात को मैं चलाना गाड़ी, तो आज रात को उदयपुर रुक जाएंगे वो, फिर कल सुबह निकलेंगे गुजरात हाईवे गुजरात के लिए। कल पूरा दिन गुजरात कवर करके कल मुंबई पहुँच जाएंगे वो। वो कुर्सी दे दो, वो कुर्सी दे दो खाली करके। ये सामान कैसे आएगा? वही तो मैं देख रहा हूँ यार, वो जूते अभी तो जूते बाकी है। ट्रेन कोट पहनने के बाद भी पूरा गीला हो गया। बारिश जोरदार आ रही, ऐसी बारिश में गाड़ी चलाने का भी अलग ही मजा, पूरी गाड़ी गीली होगी, सीटें वीटें सब, क्योंकि बार बार गेट खोल रहे हैं। बस 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 अड़िया के पीछे है, माउंटर भी साइड में रख पीछे, बट टूटे नहीं देख के रखना। हैप्पी जर्नी। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, जब वो जाते हैं ना अब घर सदस्य, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए जाए, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हुआ था। तो वह अब जाके आ रहे हैं मंदिर, बारिश आ गई लेकिन मंदिर में जाना ही पड़ेगा। रहेगा भाई हमारी 100 ही घड़ी है इसकी, लेकिन लाल प्लेट छुपानी पड़ेगी, मेरे को ब्लर करनी पड़ेगी ना, आपको दिख जाएगी।
मौसम देखो यार, पानी पानी भर गया अपने यहाँ पे, इतना पानी हो रहा है तो सिटी साइड में कितना हो गया होगा। तो भयंकर हो रहा होगा। कल यहाँ नहीं हुई, कल उधर हुई थी, कितनी भयंकर भयंकर जेलन मार्ग पे ही पानी भर गया था। ओए देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, दीदी को क्या हो गया। तो अब देखो ये पानी भर गया पूरा, कपड़े गए पूरे गीले हो गए भाई, बाप रे। चलो वीडियो बंद कर दे, सीधे मंदिर में मिलेंगे आपसे। यहाँ पे क्या पीजी है ना, तो लड़के लड़के सब रहते हैं, तो उदम गा रहे हैं सब। अरे देखो कैसी भयंकर आ रही है, पूरा पानी भरता जा रहा है। चलो खैर चलते हैं। मैं तो जिसमें पजामा ऊपर करके आया था फिर भी गीला हो गया पूरा। अब सारा पानी नीचे जा रहा है, इधर नीचे इकट्ठा हो जाता पानी। ये दुर्गापुरा निकलता है वाला रास्ता, महारानी फार्म, सॉरी। तो भाई अब अपन अपनी गाड़ी उधर लगाते हैं अपनी जगह पे। कल रस्से यहाँ खड़ी है, कल भाई लेके गया था, इस चक्कर में ऐसे घूम गई गाड़ी, तो अपन वापस वहाँ लगाते हैं अपनी गाड़ी। आज का संजोग देखो, सावन भी है, सोमवार भी है और बारिश भी है। जोरदार संयोग है आज का, संजोग है आज का। अरे यार सीट इसने बहुत आगे कर दी भाई ने, सीट बहुत आगे कर दी थी यार, पानी पानी हो गया था छाते का। चलो अगर कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। मेरी क्या आदत है, मैं सीट बहुत पीछे रख के चलाता हूँ। अब सबसे बड़ी इसमें पता है एक चीज़ की दिक्कत है, ऑटोमेटिक वाइपर ऑन करने पड़ते हैं आपको हर बार। लाइट तो ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन वाइपर आपको ऑन करने पड़ेगा। मैंने ऑन कर दिया, अब ऑटोमेटिक चल रही है। अब ऐसे लग सकती है अपनी गाड़ी आराम से, पहले क्या दो गाड़ी थी ना तो सीधी सीधी लगानी पड़ती थी, अब टेढ़ी लग जाएगी आराम से। इसको थोड़ा नीचे लगाएंगे, इसमें आगे का भी ऑटोमेटिक चल गया था वाइपर, पीछे भी ऑटोमेटिक चल गया। इधर क्या जगह है थोड़ी, लेकिन मैंने गाड़ी चला के साइड में लगाई है, क्योंकि इधर क्या कोई जगह देख के गाड़ी खड़ी कर जाते हैं। अब इधर जगह रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ू वाड़ू निकलती रहेगी। ये गाड़ी दोगे चकाचक होगी नाले के पानी से, रुनो मौज हो रही है जिंदगी की। चाल मार जीवड़ा, अंदर नहीं जाने को, छत पे जाके है भाई साहब। नहीं बंद कर दे गेट, बंद कर दे, ये तो बारिश में कैसे पोटी नहीं निकलती, पागल ज्यादा सूंघ सूंघ के। देखो पूछ खड़ी हो रही है ना, मतलब पोटी करेगा, लेकिन सूंघ सूंघ के पागल ज्यादा, बारिश में निकलेगी नहीं इसकी, सारा गीला हो गया सब, अंदर बाहर रेनकोट वगैरह सब गीले पड़े हैं। तो भाई बारिश के मौसम में हम खा रहे हैं आलू के परांठे, आलू के परांठे, दही, अचार और सॉस। हाँ हाँ, गर्मा गर्म आलू के परांठे, दही। आज पता नहीं पहले क्या हो गया, आजकल बड़े बड़े खाना बनाती है। मजा आता है भाई। देखो यार धूप भी निकल गई, कैसे भयंकर बारिश आ रही थी और धूप निकल गई यार। चलो खैर, अब मैंने खाना तो खा लिया, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई की गाड़ी की ये पड़े सनशेड लेके आए थे नए, और मीटिंग है इसकी, इसने क्या मीटिंग चेंज कराई थी गाड़ी की, ये मीटिंग है इसकी गाड़ी की। तो ये मैं देखता हूँ मेरी एक्चुअली में, अगर पीछे वाली सीट की मतलब सेकंड वाली रो में अगर लग जाएंगे ना तो मैं लगा लूँगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं लगेंगे, तो देखते हैं एक बार। और ये सनशेड है, वैसे तो सनशेड मेरे पास ही पड़े हैं एक्सयूवी के, लेकिन ये है जेड ब्लैक, मेरे जेड ब्लैक नहीं है, मेरे में थोड़ा सा विजिबल होता, ये पूरे जेड ब्लैक है। देखेंगे लग जाएंगे तो, लेकिन ये तो लगेंगे नहीं मेरे को, पूरा 100% श्योर है, क्योंकि छोटे हैं ये, एक्सयूवी तो बहुत बड़े हैं। देखते हैं अगर ये नहीं लगेंगे तो, या तो आगे के लग जाएंगे। ये ना हाफ वाले हैं, ये हाफ कांच कवर करते हैं, मेरी एक्सयूवी में पूरे कांच का है, उसमें चेन से खुलता है ऊपर से। देखते हैं, लेकिन पहले अपन मीटिंग चेक करते हैं लगती नहीं लगती। तो मैं देखो अपनी गाड़ी में
ओरिजिनल मैटिंग तो ये है जो कंपनी से आती है, उसके ऊपर से मैंने वाइट वाइट लगवा रखी थी। ये सिंगल पीस में रहती है और ये फुल साइज की रहती है। अब ये वाली जो मैटिंग है ना वेन्यू की, ये देखो कितनी सी आ रही है, ये देखो ना तो पीछे कवर कर रही है ना आगे दे रही है, कम से कम इतनी तो रहती है जो आधी इसके अंदर आ रही है तो हिलती नहीं। अब इसको अपन ऐसे कर देंगे तो पीछे खुल रह जाएगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो खाली बीच में आ रही है। नहीं नहीं ये कोई मतलब की नहीं है, नॉट सक्सेसफुल। अब मैं एक बार इसके वो भी लेके आता हूँ सनशेड। तो एक्सयूवी की अभी मैंने मैटिंग चेक करी मेरी वाली की, जो गाड़ी साफ करने वाला था ना उसने मैटिंग उल्टी सीधी लगा रखी थी, और ड्राइवर साइड की कंडक्टर साइड में लगा रखी थी, कंडक्टर साइड की ड्राइवर साइड में लगा रखी थी। अब होता क्या है ना कि ड्राइवर साइड में कट राइट साइड में आता है और कंडक्टर साइड में लेफ्ट साइड में कट आता, लेकिन उसने उल्टी सीधी लगा रखी थी इसलिए मीटिंग क्या मुड़ रही थी बार बार। तो मैं देखा कुछ सही करते हैं तो जब मुझे पता पड़ा उल्टी है मीटिंग, तो मैंने उसको सीधी करी तो उसमें ब्रूनो के बाल का गुच्छा निकला एक। मेरी गाड़ी में सीट के नीचे एसी है और एसी के पास में इतना बड़ा गुच्छा था उसके बाल का, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में ट्रैवल करता है ना मेरी तो हमेशा सीट के नीचे मुँह देके बैठ जाता है, क्योंकि एसी रहता है ना, एसी उसके मुँह पर आना चाहिए खाली, वरना वो वॉमिट कर देता है। तो एसी के पास में बालों का गुच्छा था बड़ा था। और अब ये देखो वेन्यू का सनशेड और एक्सयूवी का सनशेड कितना डिफरेंस है। ये देखो ये मेरी एक्सयूवी के पीछे का सनशेड है। अब ये जेड ब्लैक नहीं है, चक्कर में देखो इतना ट्रांसपेरेंट है, और ये जेड ब्लैक है, लेकिन साइज़ देखो आप ये कितने डिफरेंस है ना, इसके कांच कितने छोटे से कांच कितने बड़े, देखो कितना फ़र्क है। ये जेड ब्लैक है, इसमें देखो कितना कम दिख रहा है ना विजिबिलिटी, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा, इसलिए मैं इसको हटा के रखता हूँ, क्यों मतलब ही नहीं लगता। वह थोड़ी धूप से प्रोटेक्शन हो जाती है इसलिए मैं अभी इसको लगा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम क्या है फोकस नहीं कर पाता कैमरा। और फ्रंट वाला दिखाऊंगा आपको, ये एक्सयूवी का फ्रंट वाला, ये चेन वाला है, देखो चेन से खुल जाता है पूरा, ये लटक जाएगा फिर। ये वेन्यू का फ्रंट वाला कितना फ़र्क है इसमें भी, तो अपनी गाड़ी में तो लग ही नहीं सकता ये, यहाँ तक का तो चलो ठीक है, लेकिन ऊपर से भी छोटा है ना, अटकेगा ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए अपन को अपने लगाने पड़ेंगे। बस ये जेड ब्लैक होता ना और अच्छा लगता है यार, ये जेड ब्लैक है और मेरा जाली वाला ये। अभी देखो उसको सनशेड लगे हुए नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा ना, अभी वो लगाते हैं फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता। ये देखो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है खाली, इनमें क्या ना मैग्नेट रहती है, देखो एक मैग्नेट येरी एक येरी एक येरी, तो गेट पे लगाती चिपक जाता अपने आप, देखो परफेक्ट बैठा। अब इसमें चैन से ऐसे खुल जाता, अब इसको सही से बैठाना पड़ेगा, बैठा नहीं है। अब गर्मी ऐसी हो गई ना पसीना आने लग गया, अभी देखो ये लगने के बाद में अभी कैसे क्लियर वो दिख रहा है, फोकस नहीं बैठा ना बाहर का, देखना अब बैठ गया ना फोकस। अब इसकी अगर चेन खोलेंगे ना अपन तो आराम से यहाँ तक खुलती है, आराम से हाथ बाहर जा सकता है, लेकिन ये इलीगल है, जैसे गाड़ी में शीशे ट्रिम कराना इलीगल है ना, मेरे को जेड ब्लैक कराना पसंद है लेकिन करा नहीं सकते अपन क्योंकि वो इलीगल है, वैसे ये भी इलीगल है, ये लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये चीज़ इलीगल है। हाईवे पे कभी भी इनको लगा के मत चलाना वरना चलान कट जाएगा। सिटी में तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत चला सकते हैं, दिल्ली में तो बिल्कुल ही इलीगल है, अपने जयपुर में तो चलो ठीक है चल जाते हैं एक बार को, लेकिन इलीगल है, चलान कट सकता है इनसे। और मेनली आगे के पे शीशों पे नहीं लगा रहना चाहिए, मतलब ड्राइवर साइड पे और कंडक्टर साइड पे नहीं होना चाहिए, पीछे का तो चलो फिर भी चल जाएगा, आगे के पे ये कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा विजिबल होना चाहिए कांच। अब ये क्या है ना, वैसे दो तरीके से आते हैं ये, एक तो आते हैं खाली चारों कांचों के लिए, एक दो और तीन चार है ना, और एक आते हैं पूरी गाड़ी के लिए, तो मैंने पूरी गाड़ी के लिए मंगा रखा, चार मैंने अभी लगा दिए, ये मैंने पहले से लगा रखे, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा और इधर वाले में लग रहा, लेकिन मैंने पीछे वाला शीशा और ये साइड के दो शीशे ना जो पीछे वाले थर्ड रो के, इनको करा रखा ट्रिम, ये ब्लैक करवा रखे मैंने, इस चक्कर में देखो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो आएगी इनमें, तो देखो फिर भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ट्रिम करवा रखे मैंने, पूरा ट्रिम नहीं करवा रखे 50% करवा रखे। अब देखो गाड़ी,
तो गाइज मैं अभी ये कैमरा लेके आया था, मैं छत पे लग रहा था कैमरा, ये क्या चल नहीं रहा, तो ये मैं सही करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने क्या ऑनलाइन मंगाया था, इसमें मेन फंक्शन इसका क्या है, 360 रोटेट होता, ये पूरा घूम जाता है कैमरा। मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड होती है मोबाइल में, कितने भी मोबाइल में चलाओ, कहीं से भी चलाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इसके अंदर नेट होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन देता है, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, और ये ऐसे लटक जाता है कुछ इस तरह से, इसको कैसे भी घुमा के देख लो, इसमें अपन बोल भी सकते हैं, इसमें अलार्म भी बजता है, इसमें लाइट भी जलती है, सब चीज़ें इसके अंदर। तो ये क्या अभी छत पर लग रहा था, लेकिन कुछ दिन से बंद पड़ा था, तो मैं देख करते हैं इसको कुछ ना कुछ। तो जब मैं इसे खोल के लाया तो पहले तो ये लटक गया, तो मुझे लगा इसके अंदर दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इसमें नहीं थी। दिक्कत क्या थी, जो तार है ना इसका, ये तार ही देखो टूटा पड़ा था, मैंने जब छत से तार हटाया ना, तो आधे तार इधर पड़ा, आधे तार इधर पड़ा, तो बस ये तार टूटा था, इसको तार लगा के इसको चलाते हैं। ये देखो बिल आने वाली है, यहाँ पर बिल हो गया, अभी छोटा सा, बहुत बड़ा हो जाएगा बाद में। कैमरा लगा है लेकिन ख़राब है, चल ही नहीं रहा, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा। तो भाई अभी लाइटें नहीं आ रही, हम कमरे के बाहर बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, मैं और हमारी मिसेस, देखो मिसेस सिंगल और ब्रूनो सिंगल हमको परेशान कर रहे हैं, उलझा लेता देख, पट्टा उलझा लेता ये, अब इसे खोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे के मेड आई हुई है, फटेगी फटेगी, नहीं नहीं बेटा डुल जाएगी डुल जाएगी। ब्रूनो दे मैं नहीं नहीं अभी वो अभी की चिपक जाएगा, जाके गेट खुला ना, अच्छा तो भाई चाय जैसे खत्म हुई वैसे लाइट आ गई, अब चलते अंदर। और नाड़े लेके घूम रहा हाथ में, इसको क्या हो गया, ले 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 पकड़ इसको, वापस खड़ा हो, वापस फोटो खींचूंगा तेरे, खड़ा हो वैसे हाथ कर, अभी अभी पोज बना रहा था भाई, ये देखो फोटो खींचने के लिए पोज बना रहा। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लगेगा, कहाँ जा रहा है, सुसु जाएगा। ये सही है, वेरी गुड, चल सुसु जा क्या भाई। तो भाई करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ यार, क्योंकि भाई और चल गए ना, तो मतलब सुना सुना सा लग रहा है, और आपको ट्रिप पे जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, अब पापा और के बाद तो हम ही अभी इस घर में, क्योंकि भाई भाभी दोनों चल गए। तो देखते हैं अब जो भी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अब जिम्मेदारी पहले भी थी, लेकिन पहले तो क्या भाई था तो ऐसे रहता था कि भाई वो संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो गए मुंबई, अब पता नहीं कब तक वापस आएंगे, जब तक तो अपन ही बड़े भी संभालते, जब तक लेते हैं जिम्मेदारी। करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड, गुड बाय।